इधर बंदे। अस्सलाम वालेकुम। तो व्हाट्सअप क्या क्या वेलकम बैक टू अनदर एक और वीडियो के साथ हम आ चुके हैं। एंड गाइस ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो आप लोग, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। उससे पहले आप लोगों ने ना, आज मैं आप लोगों को पहले ही बोल देता हूँ कि वीडियो का चैनल लाइक, क्योंकि बाबा जी मेरे व्यू काफ़ी सारे आ जाते हैं लेकिन यार 20 से ऊपर लाइक जाते नहीं हैं। पता नहीं क्या सीन होता है, कुछ बड़ा क्रिएटर होगा ना यहाँ पर, अगर उसने वीडियो अपलोड करी है तो एक मिनट के अंदर अंदर ना 200 से 300 के ऊपर उसके लाइक चले जाएंगे। लेकिन हमारे साथ सीन कुछ अलग ही होता है। चलो हमारा टाइम भी आ जाएगा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। तो आप लोगों ने अभी वीडियो को लाइक लाजमी से कर देना है, ताकि यार पति क्या होता है, लाइक करोगे ना तो मेरी वीडियो थोड़ी रैंकिंग में जाएगी, आगे आगे जाएगी, तो फिर हैवी वाला सीन होगा ना, समझ रहे हो आप लोग। तो बाबा जी आप लोग वीडियो को कर दिया करो लाइक, और जो चैनल पर आ रहे हैं न्यू वो कर देंगे चैनल को सब्सक्राइब, बहुत ही हैवी सीन होने वाले आगे जाके। तो यहाँ पर सीन कुछ इस तरह का होता है कि इवेंट खाली करके ना आपके भाई इधर की तरफ आ जाता है, तो यहाँ पर ना बहुत ही हैवी तरीके के साथ ग्रेनेड करेगा, ये चेक करना आप लोग। ओ भाई साहब बिल्कुल हैवी तरीके के साथ ना इसको ग्रेनेड से उड़ा दिया आपके भाई ने। तो यहाँ पर एक बंदे को मेरे टीममेट ने नॉक किया था और एक बंदे को मैंने खुद नॉक कर दिया था। यहाँ पर दो बंदे नॉक हो जाते हैं और जैसे मैं यहाँ पर आते हैं तो ये बंदा ना अपने टीममेट को रिवाइव दे रहा होता है। तो इस बंदे के काम चेक करो, बिल्कुल ना हैवी तरीके से ना दरवाजे के ऊपर चढ़ के बैठा होता है, शायद से ऊपर चढ़ने लगा होता है। तो यहाँ से मेरे टीममेट ने इसको नॉक कर दिया, या ये ना बंदा यहाँ पर ही ना लुढ़क जाता है, रुक जाता है। तो उसके बाद मेरे टीममेट के सस्ते नशे चेक करो, हम इनके ऊपर पुश करने वाले होते हैं और मेरा टीममेट ना इनके सामने बिल्कुल ना गाड़ी ले जाता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर मैं नॉक हो जाता हूँ और साथ ही ये फिनिश कर देते हैं। तो यहाँ पर ना हमारा गेम प्ले ना बिल्कुल ना हैवी तरीके से बन जाता है, आप लोग चेक कर सकते हो, 8 किल हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये मेरे साथ सीन हो जाता, कोई मसला नहीं, अभी बहुत ही ना हैवी चुल वाला सीन होने वाला है दूसरे गेम प्ले के अंदर। तो यहाँ पर आपका भाई इवेंट खाली करेगा वो भी ना बिल्कुल ना एक हैवी तरीके से। तो यहाँ पर जितने भी बंदे आते हैं ना तो इनको ना बिल्कुल हैवी तरीके से फायर पे पहुँचाएंगे, आप लोग चेक करना। और उसके बाद यहाँ पर मेरा टीममेट नॉक हो जाता है, बिल्कुल ना हैवी तरीके से अपने टीममेट को बचा देता हूँ। अब उसके जो दो दूसरे टीममेट होते हैं ना वो आते हैं रश करने के लिए, कि उसने बोला होगा कि मैंने टीम उसके बंदे को नॉक किया, जाके जाओ जल्दी जल्दी रश करो। तो ये ना बिल्कुल हैवी तरीके से यहाँ पर आ रहा होता है, तो जोकर भाई को यहाँ पर नॉक करते हैं। दूसरा इसका टीममेट सामने था, तो इसका नाम होता है टॉप 1 PTI। ओ तेरी खैर हो जाए, क्या बात है, PTI वालों को भी हमने यहाँ पर फायरिंग पे पहुँचा दिया। तो इसके दूसरे दो टीमों को भी फायरिंग पे पहुँचा दिया। अब जिस स्क्वाड के साथ फाइट होने वाली है ना वो भी एक हैवी स्क्वाड होती है, तो उसको भी हम फायरिंग पे पहुँचाएंगे। 1v3 उनके ऊपर, नहीं सॉरी 1v4 उनके ऊपर होने वाला, आप लोग चेक करना। अब यहाँ पर मेरा टीममेट ना बारी लुढ़क जाता है, दोबारा से रिकॉल होकर आता है, जैसे ही उतरता है ना तो इसको दूसरा बंदा ना एक नॉक कर देता है। तो यहाँ पर अपने टीममेट को भी रिवाइव कर देते हैं और उसके बाद आ जाते हैं नंबर 3 के ऊपर। इसके ऊपर ना रश हुआ होता है जो कि 3 बंदे कर रहे होते हैं, तो एक बंदे को मैंने यहाँ पर नॉक किया और दूसरे दो ये बंदे इसके पीछे की तरफ हैं, तो वो भी अभी रश करेंगे। तो चेक करना आप लोग उनको भी मैं कैसे फाड़ के पहुँचाता हूँ। ओ भाई साहब इसके पास ग्रोजा होती है, अच्छा खासा डैमेज दे देता है। अब इनके दो बंदे नॉक हैं, एक बंदा इस तरफ है तो एक बंदा बिल्कुल पीछे की तरफ है। तो यहाँ पर इसकी तो लोकेशन मुझे पता थी, दूसरे बंदे की मुझे लोकेशन का नहीं आइडिया होता है। तो यहाँ पर मेरा दिल होता है इसको भी ना हम फायर पे पहुँचा दें। तो मैंने अपने टीममेट को बोल दिया था कि मैं इनके इसके ऊपर भी रश करने वाला हूँ, आप लोगों ने फिर जस्ट कवर देना है, इस बंदे को मारना नहीं है, मेरा क्लच कंप्लीट हो जाए टिकटॉक के लिए। तो यहाँ पर क्लच वाला सीन तो हो जाता है लेकिन बहुत देर बाद फिर वो वाला क्लच का मज़ा नहीं आता, जैसे मतलब कि 10 सेकंड के अंदर अंदर या 20 सेकंड के अंदर अंदर वाला क्लच हो तो वो ज़्यादा ना बेटर रहता है, आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ पर ना हमें इनके
जो चौथा बंदा होता है ना, लास्ट बंदा, उसकी लोकेशन का नहीं पता होता है। तो यहाँ पर मैं हम ढूंढते ढूंढते आ जाते हैं, तो ये भाई साहब की काम चेक करना कहाँ पर बैठे होंगे। ओ भाई साहब, नाइस तो इसको ना फिर हमने वेलकम भाई, ऐसे ही इसको करके ना देखो फारियू पे पहुँचा दिया। तो यहाँ पर हमारा हो जरा जाता बड़ा है कैंपर सा इवेंट मतलब खाली 10, इसको मतलब डेफिनेटली के मार 9 दो किल भाई के तुम साथ। लोग, तो यहाँ पर अपने टीममेट को भी चलो रिवाइव ठीक है कर भाई, देता हूँ, चलो और ठीक है उसके भाई। बाद हम थोड़ा सा आगे जाते हैं तो हम भी लुढ़क जाते हैं, रिकॉल भी ख़त्म हो जाता है। तो नो यहाँ पर चांस, वीडियो यहाँ तक ही थैंक थी। यू कोई तो नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर देना लाइक, जल्दी से 2K करवा दो। थैंक यू सो मच जो बंदे मुझे सपोर्ट अभी तक कर रहे। तो काफ़ी सारे दोस्त ऐसे भी हैं जिनके पास नोटिफिकेशन पहुंचता ही है और साथ ही वीडियो चलो कर देते हैं लाइक, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। तो ऐसे ही लाइक करते रहो, तो यार बिल्कुल सपोर्ट करते रहो, तो आपका भाई भी इंशाल्लाह एक ना एक दिन फुल हैवी वाला क्रिएटर बनेगा। तो बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर चलो देना कोई लाइक, ना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।